टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुंब्रा के MM वली जो TMC का हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको बता दें कि आज TMC हॉस्पिटल का जो है यहाँ पर दौरा करने के लिए आए हैं BJP के जो विधायक हैं निरंजन डावकरे और संजय केलकर साहब यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आज TMC हॉस्पिटल का आप लोग यहाँ पर दौरा करने के लिए आए हैं, क्या जानकारी देंगे इसमें? बार बार लोगों को डमरू बजा के मैं अस्पताल बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, फलाना बनाऊँगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। सत्ताधारी शिवसेना कितने, ये तो महाभ्रष्टाचार है। 8-9 साल से ये इसका टेंडर पास हुआ, 9 साल में आप 100 बेड का अस्पताल भी नहीं खड़ा कर सकते, और पैसे का पैसा लूट की छूट चल रही है। इसकी चौकसी करने के लिए हम आग्रही रहेंगे, इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी, हम कोर्ट में भी जाएंगे समय आएगा तो, क्योंकि ये गरीबों का टैक्स का पैसा जा रहा है, पर गरीबों के लिए सुविधा तो मिल नहीं रही है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा महाभ्रष्टाचार का एक नमूना ये कौसा हॉस्पिटल है। सर यहाँ पर जो है इसके पहले भी सत्ताधारी पार्टी के लोग भी दौरा किए थे और आपके पार्टी के कुछ नगर सेवक भी यहाँ पर दौरा किए थे। ये 2 बार यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि इस हॉस्पिटल को फला फला दिन फला फला महीने में चालू कर दिया जाएगा, इस महीने में भी बोला गया कि ये चालू हो जाएगा, तो क्या लग रहा है आपको कि वाकई में ये हॉस्पिटल चालू करके शहर के लोगों को दे पाएंगे, या आपके अनुमानित अनुसार अभी भी इस हॉस्पिटल को बनने में कितना वक्त लगेगा? देखो, जिसको ये काम दिया गया है उसने 30 महीने में ये काम पूरा करना चाहिए, अभी 8-9 साल हो गए और सत्ताधारी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको कोई पूछ नहीं रहे है, वो अपनी मनमर्जी से काम का ये कर रहा है। हमारे दोनों नगर सेवक और हमारे गट नेता डुमरे जी ये यहाँ आके गए, उनको बताया गया था, लेकिन जैसे 1 महीना पहले काम है वैसे ही है। ये ठेकेदार को किसका आशीर्वाद है? और इसीलिए हमारा आरोप है कि ये महाभ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा नमूना है और इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। किस तरह की आप जांच की मांग कर रहे हैं और आगे आप इस पर किस तरह का फॉलो करेंगे? नहीं, हम समय पे कोर्ट में भी जाएंगे, एंटी करप्शन ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है ये लूट की छूट हो गई है, और ये पहला इस उदाहरण नहीं है। यहाँ पे थाना के अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, मुंब्रा में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ये पोल खोल जो है वो आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे। फिलहाल अभी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ नाम वगैरह आप बता सकते हैं कि कौन कौन लोग वाकई में इस हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार में शामिल हैं? ऐसा है कि जो सत्ताधारी पक्ष के वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी मान्यता से ही ये सब ठेकेदार का काम चलते रहता है। जब भी 57 करोड़ का ठेका 150 करोड़ तक जाता है तो उसके पीछे कौन है ये तो जाहिर है, और इसीलिए उसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि ये रैकेट में और कौन कौन है। तो उसके टाइम पे नाम सर, आपने विजिट किया तो अभी 157 करोड़ बताया जा रहा हॉस्पिटल पे आया था, तो यहाँ पर कुछ मशीनरी बेड्स वगैरह कुछ आए हैं ऐसी जानकारी आपने? हाँ, मशीनरी नहीं है, सिविल वर्क भी कुछ हुआ नहीं है, और 30 महीने का मुदत था, 30 महीने का मुदत छोड़ के और भी ये कितने दिन लगने वाले है, फर्नीचर नहीं है, बाद में डॉक्टर की नियुक्ति होगी, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हमारा ये कहना है कि मुंब्रा वासियों को ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी हुई है, 8 साल से खाली आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनको ये अस्पताल का ये दिखा रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं और प्रत्यक्ष यहाँ शुरू नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से केलकर साहब ने कहा कि बहुत बड़ा धोखा है, शुरू करेंगे लेकिन शुरू नहीं हो पा रहा है और अभी भी कुछ उम्मीद नहीं है कि कब शुरू होगा? भ्रष्टाचार सालों साल यही है ठाणे महानगर पालिका का हाल। ये हाल आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल का क्या हो रहा है यहाँ पे। इस हॉस्पिटल के लिए जब कोविड में सबसे ज़्यादा मुंब्रा वासियों को ज़रूरत थी तभी ये हॉस्पिटल नहीं खोला गया। एक हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड के पेशेंट रखे थे उस हॉस्पिटल में आग लग गई, वहाँ पे पेशेंट्स गुजर गए, तभी भी ये हॉस्पिटल मुंब्रा और कौसा वासियों के लिए अवेलेबल नहीं था, और इसके लिए मुंब्रा और कौसा के जो लोग हैं
उनका सच में तो सत्ताधारियों ने हमेशा उनको लूटने की ही कोशिश की है। यहाँ के विधायक और जो सत्ताधारी पार्टी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग हित के लिए ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द खुला किया जाए। पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ना कोई फर्नीचर है, ना फिक्चर है, अभी तक मेडिकल इक्विपमेंट लाने हैं, उसके एक अलग टेंडर निकलेगा, उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार होगा, उसमें भी पैसे खाए जाएंगे। पर इस सारे झोल का पोल खोल ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही लोगों के सामने लेके आएगी। तो कब तक माना जाए आप इस झोल का पोल खोल करेंगे? इस झोल का पोल खोल हमारे नगर सेवक हमेशा महासभा में, स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू लेके उतरे ही हैं। हमारी नगर सेविका मृणालदाई पेंड से हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सुनील जी जोशी हैं, हमारे गढ़ नेता मनोज जी डुमरे हैं, ये सभागृह में ये लड़ाई टीएमसी में लड़ी रहे हैं। पर माननीय किलकर साहब और मैं, हम आने वाले अधिवेशन में भी ये इशू इसी प्रकार से पकड़ के इस इशू को एंड तक लेके जाने का निश्चित ही काम करेंगे। सर एक सवाल और आपसे हॉस्पिटल से हटकर करूंगा, आप भी वहां पर आए थे जो मुंबरा में एक तालाब का मुद्दा चल रहा है और आज छठ पूजा भी है, तो उसमें 2 करोड़ का मामला सामने आया था, लेकिन तालाब का जो नक्शा था, जो डिजाइन था, उस हिसाब से तालाब नहीं बनाया गया। बहरहाल खबरें चलने के बाद लोग वहां आए और अब तालाब जो है ठीक तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे भी बार बार सवाल करने पर वो जवाब नहीं दिया, तो उस तालाब के बारे में आप क्या? निश्चित ही जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार सालों साल, यही है ठाणे महानगर पालिका हाल, इसका ही जीवंत उदाहरण ये हॉस्पिटल, ये तालाब, ये सभी है। और इसके लिए ये सब चीज़ों में बार बार लगातार जो भ्रष्टाचार चालू है उसकी पोल खोल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही करता रहेगा। आप क्या कहेंगे, आपने भी दौरा किया था लास्ट वक्त में, क्या कहेंगे फिर दौरा किया था? जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने दौरा किया था, ये काम आपने भी, आप थे शायद तभी वहाँ पे, हम बोला गया था कि 1 महीने में हॉस्पिटल चालू हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कंडीशन वैसी की वैसी ही है। जैसे बार बार हम लोग ने ये सवाल उठाया है कि यहाँ पे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और जब तक ये चीज़ को न्याय नहीं मिलता है हम लोग महासभा में इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? पिछले महीने आपसे ही मिले थे, आपने ही बताया था कि ये नवंबर में चालू होएगा, पर आप ही देख रहे हैं नवंबर ख़त्म होने को आया, अभी तक कुछ भी इधर चालू नहीं हुआ। ये कोरोना के आड़ में इलेक्शन फंड जमा करने का धंधा है, इसमें और भी भ्रष्टाचार होएगा। ये अभी तक 150 में से 120 करोड़ इनको दिए हैं, और भी इक्विपमेंट्स का ये इसमें इशू होएगा, और ये टोटल 250 करोड़ तक ये जाएगा, और बाद में ये चलाने को देंगे, इनके पास मशीनरी नहीं है चलाने की भी, उसमें भी ये कमीशन लेंगे। तो इसकी जांच होनी चाहिए, वैसा हमने हमारे आमदार जी को ये निवेदन दिया है, वो विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाएंगे और हम महापालिका में ये प्रश्न उठाएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर आज बीजेपी के तमाम विधायक, यहाँ पर 2 विधायक आए थे, उन्होंने दौरा किया, नगर सेवक थे, उन लोगों ने दौरा किया, और इस हॉस्पिटल को जिस तरह से कहा गया था कि नवंबर के महीने में जो है बनाकर इसे दे दिया जाएगा, लेकिन जो बीजेपी के जो विधायक हैं निरंजन डावखरे और संजय केलकर, इन लोगों ने इस हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर जो है एक भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगाया है और इसकी जो है इंक्वायरी करने की भी मांग करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी। कैमरामैन कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।